ये चुनाव मणिपुर को तोड़ने की बात करने वाले और मणिपुर को जोड़कर रखने वालों के बीच में चुनाव। ये कांग्रेस पार्टी जहां जाती है वहां विभाजन की बात करती है। मणिपुर को तोड़ने की किसी की हिम्मत नहीं है, हम मणिपुर को तोड़ देंगे। 75 साल से उग्रवाद और सेपरेटिज्म से त्रस्त नॉर्थ ईस्ट के अंदर शांति लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो आज मैं जब आया हूं तब ये 2024 का चुनाव मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। हमारे वसंत जी को जो वोट देंगे, वसंत के कमल के निशान पर दिया एक एक वोट नॉर्थ ईस्ट के मित्र, मणिपुर के मित्र नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट जाने वाला है। भाई और बहनों, ये चुनाव जो है भाजपा और कांग्रेस के बीच में नहीं है, ये चुनाव मणिपुर को तोड़ने की बात करने वाले और मणिपुर को जोड़कर रखने वालों के बीच में चुनाव। एक कांग्रेस पार्टी जहां जाती है वहां विभाजन की बात करती है। देश का बंटवारा किया, देश का विभाजन किया, अभी भी कांग्रेस पार्टी के लोग इस देश को नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया में बांटना चाहते हैं। यहां पर भी एजेंडा बनाया मणिपुर के विभाजन का, मगर मैं आज कह कर जाता हूं मणिपुर को तोड़ने की किसी की हिम्मत नहीं है, हम मणिपुर को तोड़ देंगे। भाई और बहनों, मोदी जी ने इस 10 साल के अंदर न केवल देश को समृद्ध बनाया, देश को सुरक्षित बनाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। और आज मोदी जी ने इस 10 साल के अंदर सालों से लटका हुआ भगवान श्री राम का मंदिर भी अयोध्या में बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 125 साल के बाद मणिपुर से महाराजा मणिपुर, जो अंडमान निकोबार ले गए थे अंग्रेज जिनको, उनकी याद में माउंट मणिपुर का नाम रखने का काम भी नरेंद्र मोदी। कांग्रेस ने कभी भी महाराजा कुलचंद्र जी को सम्मान नहीं दिया, रानी मां को कभी सम्मान नहीं दिया। रानी मां हो या महाराजा साहब हो, सभी को सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया नरेंद्र मोदी ने। भाई और बहनों, 75 साल से उग्रवाद और सेपरेटिज्म से त्रस्त नॉर्थ ईस्ट के अंदर शांति लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। इस 10 साल के अंदर मोदी जी ने 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी रेखा के बाहर निकालने का काम किया। 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त चावल, 12 करोड़ गरीबों के घर में टॉयलेट, 4 करोड़ लोगों को घर, 10 करोड़ लोगों को गैस का सिलेंडर और 14 करोड़ लोगों के घर में नल से जल देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी। भाई और बहनों, मोदी जी कहते हैं कि देश का भाग्य तब बदलेगा जब नॉर्थ ईस्ट का भाग्य बदलेगा। देश का भाग्य तब बदलेगा जब मणिपुर का भाग्य बदलेगा, तब देश का भाग्य। देश विकसित तब होगा जब हमारा मणिपुर विकसित। और इसी के कारण 10 से ज्यादा समझौते कर 9000 से ज्यादा उग्रवादियों को
समाप्त करने का काम, सरेंडर करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया।